इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। What is organization and company? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंपनी क्या है, इनका बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में आपको इनका जो डिफरेंस है वो बताऊंगा एग्जांपल के साथ। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ अ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस सच एज अ बिजनेस और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक फर्म होती है। फर्म क्या होता है? जो लोगों से मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप होता है, लोगों का एक ग्रुप होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो इकट्ठे होते हैं, उनका कोई पर्पस होता है, उनका कोई गोल होता है जिसको उन्होंने अचीव करना होता है। बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, मतलब किसी कंपनी इंडस्ट्री की भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी कंपनी किसी बिजनेस की भी हो सकती है और गवर्नमेंट की भी हो सकती है। गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? मतलब जो टैक्स इकट्ठा करती हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब जो टैक्स इकट्ठा करते हैं, जो FBR होती है जो इंडिया में टैक्स इकट्ठा करने वाला जो स्टेट है, जो स्टेट बैंक का एक डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, जो लोगों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ये जो सारे डिपार्टमेंट को रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कम्प्लीटली स्टेट को भी हैंडल करता है, स्टेट के अंदर जो सिटीज़ हैं उनको भी हैंडल करता है, ये जो सारे लोग होते हैं इनको हैंडल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, एक अरेंजमेंट हुई है कि जो टाउन है उसमें किसने मैनेज करना है, उसका हेड कौन होगा, उसके जो मसले हैं वो कौन होगा, कौन बताएगा, और जो एक सिटी है उसका हेड कौन होगा, उसका मतलब MPA MLA जो भी है वो हेड होगा, तो एक जो स्टेट है उसका कौन हेड होगा, उसका वजीर आला कौन होगा। तो ये सारी गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल को एक बिजनेस एक कंट्री को रन करने के लिए। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ऑर्गेनाइजेशन होता है और कंपनीज में भी होता है। कंपनी क्या होती है? कंपनी जो होती है ना लोगों के साथ मिलकर बनती है। एक होता है सोली प्रोप्रिएटरशिप, सोली प्रोप्रिएटरशिप में होता है कि सिंगल ऑनर होता है, और पार्टनरशिप में 10 से ज्यादा और 20 से कम, मतलब सॉरी 2 से ज्यादा और 20 से कम लोगों जो लोग जब मिलके एक काम को अचीव करना चाहते हैं, एक मिलके अपने बिजनेस को मिल जाते हैं और मिलके इन्वेस्ट करते हैं, वो होती है पार्टनरशिप, मतलब 2 से ज्यादा और 20 से कम। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी जो होती है ना 20 से 7 से या 20 से ज्यादा, और मतलब एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और होती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 से ज़्यादा और 200 से कम होने चाहिए। तो ये होती है कंपनी। कंपनी क्या होती है? लोगों से मिलके बनती है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। पर एक और बात है कि जो कंपनी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, पर हर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का भी होता है, अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंपनी तो नहीं ना। ऑर्गेनाइजेशन रेलवे स्टेशन का भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन जो है वो गवर्नमेंट एक लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनका उनका जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है रेलवे स्टेशन का, उनका लोगों को एक ट्रैवल एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इस तरह ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक लोग जुड़े हुए हैं, लोग ऑफिसर है, सबसे बड़ा हेड है रेलवे का, उससे ऊपर CEO है, तो जो वो सारे जो है ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं, उसके नीचे लोग हैं, तो ये सारे हैंडल कर रहे हैं, ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है एक पर्पस के लिए इकट्ठे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी नहीं हो सकता, पर कंपनी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी जो होती है लोगों से मिलकर बनती है। तो जब लोग मिल गए एक पर्पस के लिए तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो आई होप आपको इनका बेसिक लॉजिक तो पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय।